गाइस, गर्मी आते ही जहां एक ओर लोग पानी ठंडा करने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों के लोग मिट्टी के घड़े को पानी ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या कारण है कि मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहता है, आइए जानते हैं। पानी का ठंडा होना वाष्पीकरण की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा वाष्पीकरण यानी कि वेपोराइजेशन होगा, पानी उतना ही ज्यादा ठंडा होगा। मिट्टी के बर्तन में धातु के बर्तन की अपेक्षा वाष्पीकरण की क्रिया इसलिए हो पाती है क्योंकि मिट्टी के बर्तन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आईज से नहीं देख पाते हैं। घड़े का पानी इन्हीं छिद्रों से होकर घड़े की सतह तक आता है और बाहर की गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता है। इस प्रक्रिया में घड़े के अंदर का तापमान कम हो जाता है। वाष्पीकरण की यह प्रक्रिया सिर्फ गर्मी के मौसम में ही अच्छी तरह से हो पाती है। यही कारण है कि गर्मी के मौसम में धातु के बर्तनों की अपेक्षा मिट्टी के बर्तनों में पानी ठंडा रहता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो देखकर, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।